टाइम इज अराउंड 9:20 और पोजिशन इस तरह है 16950 17200, ठीक है। करंटली नो लॉस नो प्रॉफिट, थोड़ा सा एंट्रिंग के टाइम प्रॉब्लम हुई बट कोई दिक्कत नहीं, दूसरे अकाउंट में देख लो परफेक्ट एंट्री मिली है। और थोड़ा सा अग्रेसिव पोजिशन है मेरी, अब देखते हो मैं जनरली 10-12 रुपए की सेल करता हूँ, बट उसका रीज़न ये है कि हम एक अच्छी रेंज में, मार्केट ये तोड़ेगी बिल्कुल सेफ पोजिशन, मार्केट ये तोड़ेगी बिल्कुल सेफ पोजिशन हो जाएगी। और अगर बहुत बड़ा रैंडम डाउन मूव आएगा तो भी मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, बट फिलहाल ये पोजिशन है। और कॉल को नीचे लाने के लिए हम देख सकते हैं अभी, बट 18:26 तो देखते हैं क्या होता है, विल सी डे लो होल्ड करता है नहीं करता, मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज 9:22, पहली एडजस्टमेंट देख लो, कॉल को नीचे लाया हूँ बहुत थोड़ा सा, अगर आप देखो छोटी क्वांटिटी में नीचे लाया हूँ, ठीक है, लॉस भी हो रहा है बट मार्केट एक अच्छी कैंडल बना रही थी, सेफ्टी के लिए मेरे को लाना पड़ा और वो बैकफायर करा, बट अगर आप देखते मार्केट नीचे जाती तो वो मेरे को सपोर्ट भी करता अभी, ठीक है। तो करंटली रनिंग ऐसे 15:13, अब मैं वापस ले जाऊंगा इसको पीछे। थैंक यू। टाइम इज अबाउट 10:37 और मैंने एक डायरेक्शनल स्ट्रैटल बनाई है। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस के पास है हम, 1, 2, 3, 4, 5 कैंडल, इसको रिवर्सल सेटअप बोलते हैं, कभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, बट पहले ये देख लो, ये रहा डायरेक्शनल स्ट्रैटल, 1750 की पुट कॉल कुछ इस तरह। अगर हम दूसरे अकाउंट में आए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया है बस, ज़्यादा कुछ नहीं करा, ठीक है, वे रनिंग अबाउट 7000 प्रॉफिट इधर। और ये वाली ट्रेड मैं हेज करूँगा, आपको पता ही है कैसे, एडजस्ट करूँगा, फ्री कर दूंगा थोड़ी देर के अंदर, वो प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ से, तो बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज़ अबाउट 11:03 और डायरेक्शनल स्ट्रैटल को ऐसे एडजस्ट कर लिया, वेरी सिंपल, दो हेजेस बाय करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट्स पे और अब ट्रेल करेंगे इसको, ठीक है। करंट पोजीशन ऐसे चल रही है, मार्केट थोड़ी सी बुलिश जैसे मैंने आपको बोला था इस कैंडल पे, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 11:36 और कल का, परसों का लो, कल का लो, आज का लो, जहाँ हैमर बन रहे हैं, बुलिश पोजीशन, ऑप्शन बाइंग भी कर ली क्योंकि पैसे नहीं बचे अब सेल करने के, तो बाइंग भी देख लो आज आप। और मेरी पुट सेल, एक्स्ट्रा पुट सेल, ठीक है, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। यहाँ से फिर से बाइंग आ रही है, टाइम इज 11:42 और बेकार ऑप्शन बाइंग यार, देखो 30 पे बेची थी बढ़िया, 23 पे पूरी डाउन मूव के बाद भी अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था 2,500 रुपये आ रहे थे, बट ठीक है कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी भी 120 रुपये देख लो, ट्रेलिंग पे लगा दिया था मैंने। न्यूज़ देखते क्या होता है, मार्केट फिर बार बार सेल सिग्नल दे रही है, बायो ने बाइंग आ रही है और फिर सेलिंग आ रही है, तो देख। टाइम इज अबाउट 12:47 और मैं आपको क्या बोल रहा था, ये लेवल मेरे को लग रहा था डिफेंड होगा, बट देखो इतना आसान नहीं है कि आपको पता है ये लेवल, आप प्लस कर लो ब्रेक डाउन ऊपर, यहाँ पे आप बुलिश हो गए, वापस आपको बाहर करके क्या कैंडल्स बन रही है, ठीक है। तो इसमें स्कैल्प करने को मिल गया था, बट अभी करंट पोजीशन ऐसे, इसका स्टॉप लॉस 7 है, जो मुझे लग रहा है कि ये मेरी पोजीशन खराब करा के मानेंगे, और कोई दिक्कत नहीं है, हिट होगा तो वापस पीछे चले जाएंगे, बट प्लान यही था कि पुट थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, ये एक्सपैंड जल्दी हो रही है वो ऊपर की साइड कॉल, तो बट विल सी क्या करना है, अगर यहाँ पे सस्टेन करके थोड़ी देर भी हल्का सा भी अप मूव दे देना, मेरे को मेरी पोजीशन एकदम शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी पोजीशन ऐसे है और करंटली वी आर अप अराउंड 20,000, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। टाइम इज अबाउट 2:10 और 50 मिनट्स एवरेजिंग से पहले, करंट पोजीशन इज अबाउट 16950 17100, इसका स्टॉप लॉस 8 है और रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, थोड़ी सी बुलिश है इस ट्रायंगल इसलिए क्योंकि मेरे को बुलिश प्राइस एक्शन दिख रहा है, ठीक है। और अगर मैं दूसरे अकाउंट में आऊँ तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, सेकंड, ठीक है, यहाँ तो और भी बेच रखी थी ऊपर नीचे से पुट, वी आर अप 20,000 इस अकाउंट में, 27,000 इस अकाउंट में, देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा चल रहा है मेरा अभी, अगर ये ट्रेड मेरे काम करेगा तो वी हैव अराउंड 4.5 5 5, 8 पॉइंट और है कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, बाकी मैं। टाइम इज अबाउट 3:11, मार्केट बंद हो चुकी है, ओ मार्केट खुली है, पोजीशंस बंद हो चुके हैं, नेट इंट्राडे प्रॉफिट ये 39 दिखा रहा है,
बट हमारा नेट इंट्राडे प्रॉफिट है 37,000 प्लस पोजिशनल जो ये बंद करी है 12,000 पे, ये वाली ट्रेड, ठीक है, लाइव टेलीग्राम पे थी अगर आप फॉलो नहीं करते। उसके अलावा एक ये लेके गया था मैं, ये बंद करिए दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट का नेट प्रॉफिट इज अराउंड 17,000, इसमें तो क्लियर है। तो यहाँ पे है 39 और हमारा इंट्राडे प्रॉफिट है अराउंड 37, 37 और 11, 38, 48, 48 प्लस 10, 58, 765, तो नेट प्रॉफिट फॉर द डे इज अराउंड 65,000। और दिन इतना कुछ मुश्किल नहीं था, थोड़ा मुश्किल था, डी के काफ़ी अलग स्पीड से आया, अलग तरीके से, नीचे बार 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 प्रॉब्लम हुई, बट मेरा व्यू बिल्कुल परफेक्ट था कि ये वाला लेवल होल्ड होगा, होल्ड हुआ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब कर देना।